मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या शिवपाल यादव, क्या राम गोपाल यादव, क्या अखिलेश यादव, सबके सब कैंप कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं? अभी तक बीजेपी ने अपनी ताकत क्यों नहीं लगाई? क्या बीजेपी इस बार योगी के बगैर चुनाव में उतर रही है? हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि किस समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा है कि शिवपाल यादव को इस चुनाव के बाद फिर धोखा मिलेगा, और किसके चश्मे की उन्होंने बात कही है, कौन है वो नेता और क्या कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो तीन उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी, रामपुर और खतौली मुजफ्फरनगर की। इन तीनों जगहों पर चुनाव धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचता जा रहा है। मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव कैंप कर रहे हैं, शिवपाल यादव कैंप कर रहे हैं, राम गोपाल यादव कैंप कर रहे हैं, डिंपल यादव डोर टू डोर जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, लेकिन बीजेपी तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और उन नेताओं के भरोसे है जो वहां स्थानीय नेता है। तो क्या अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई योजना नहीं बनाई है बीजेपी ने? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल नहीं होने जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे घोड़े खोल रखे हैं? तो आपको बता दें कि बीजेपी बिल्कुल आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को उतारेगी इस उपचुनाव में। जानकारी के मुताबिक तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जाएंगे। मैनपुरी में जिस तरीके से गढ़ होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उससे तो एक बात साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार हर हाल में उन्हें वो सीट जीतनी है। हालांकि पहले भी वही जीतते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है कि स्थानीय नेताओं, जातीय नेताओं के भरोसे इस चुनाव को जीतना है और योगी आदित्यनाथ सरीखे स्टार कैंपेनर को सिर्फ आखिरी में बुलाना है। ऐसा ही उन्होंने गोला उपचुनाव में किया, और अब रामपुर हो, खतौली हो या फिर मैनपुरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं बिल्कुल आखिर में होंगी। और उसकी वजह भी है गुजरात का चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुजरात चुनाव में ज्यादा लगाया गया है। अभी तक डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम गुजरात में ज्यादा घूम रहे हैं। सिर्फ शुरुआत के समय पर्चा दाखिल करते समय दोनों मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन अभी न तो मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव का रुख किया है। अब जब चुनाव नजदीक आएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे, और तब ये लड़ाई और फियर्स फाइट के रूप में दिखाई देगी। अब अगली खबर। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर परिवार में एकता हुई है, जिस तरीके से पांव छूने की सियासत शुरू हुई, सभी ने अपने अपने बड़ों के पैर छुए, और उसके बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि अब इस नेताजी के बगीचे को उन्हें ही सींचना है खून और पसीने से, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सचमुच चुनाव के बाद भी पार्टी में यही स्थिति शिवपाल यादव की बनी रहेगी, या फिर चुनाव के बाद कुछ और हो सकता है। तो कोई और नहीं, परिवार के ही सदस्य रहे हैं हरिओम यादव, जो फिलहाल तो बीजेपी में हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समधी हैं रिश्ते में। उन्होंने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव के समधी लगने हरिओम यादव ने अपना निशाना सीधे सीधे प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर साधा है, और कहा है कि शिवपाल यादव चुनाव के बाद एक बार फिर नाराज दिखाई देंगे, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिसे वो चश्मा शब्द से संबोधित कर रहे हैं, आप सुनेंगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो चुनाव के बाद एक बार फिर पार्टी के भीतर उन्हें जीने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के जब तक चुनाव है तब तक ही शिवपाल यादव की पूछ है, और चुनाव के बाद
फिर शिवपाल यादव नाराज होंगे क्योंकि पार्टी के भीतर फिर उन्हें कोई नहीं पूछेगा। हरिओम यादव का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो खुद उसी परिवार से आते हैं, फिरोजाबाद से आते हैं, और फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव और हरिओम यादव की अदावत किसी से छुपी नहीं है। हरिओम यादव बेहद करीब रहे हैं शिवपाल यादव के, इसलिए वो उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हश्र होने वाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरिओम यादव। रामगोपाल उर्फ चश्मा ने ही नेताजी का अपमान कराया था अखिलेश के द्वारा, अखिलेश समझ नहीं पाए थे और आज भी नहीं अखिलेश समझ रहे हैं। अखिलेश को उसने मैनपुरी में ला के डिम्पल को फंसवा दिया, ये उसी की रणनीति है। पता नहीं ये रामगोपाल नेताजी के परिवार से कौन सा जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि शिवपाल सिंह को इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया। मैनपुरी में दलित वोट किधर जाएगा? मायावती चूंकि चुनाव नहीं लड़ रही, किसी भी उपचुनाव के इस तीनों सीटों पर बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो दोनों पार्टियां इस बारे में जुटी हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दलित वोट मिल जाए। अखिलेश यादव ने बकायदा अपने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन एक दलित महिला से कराया और अपने दलित नेताओं को लगातार वो कैंपेन में बुला रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने अनुसूचित जाति मोर्चे को भी पूरी तरीके से काम पर लगा दिया है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मायावती का जो वोटर है उसके जो वोट हैं वो बेहद अहम होने वाले हैं। पिछले चुनाव में जब रामपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, उस दौरान मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था और तब एकमुश्त दलितों के वोट बीजेपी को मिले थे, और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि एक बार फिर दलितों का वोट मैनपुरी में उसे मिलेगा। लेकिन मैनपुरी वो जगह है जो मुलायम सिंह यादव की सींची हुई जमीन है और यहाँ पर परंपरा से भी दलित बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी अपना ध्यान इस वोटर्स पर लगा रखा है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच दलित वोटर एक्स फैक्टर होकर उभरता है, क्या वही ये तय करेगा कि कौन जीतेंगे। फिलहाल दोनों पार्टियों ने दलित वोटरों पर अपनी पूरी नजरें गड़ा दी हैं। तो यह था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।